तो आपका ऑलरेडी जब प्रोफाइल अपडेट रहेगा तो यहाँ पर नाम वगैरह से होगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। आपको जो बॉक्स है, बॉक्स पर क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आ रहा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि अब किस तरह से दीक्षा ऐप में जो न्यू कोर्स लॉन्च हुआ है सभी जिले के लिए, जिला वाइज नेम भी दिया गया, जैसे बिहार डाइट, किशनगंज, कटिहार, पटना, बिहार, जो भी है, मतलब पूरे 38 जिला का जो है नेम वाइज कोर्स अवेलेबल है किसमें, दीक्षा ऐप में। तो आप अपने जिला का कोर्स कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आ जाना है अपने प्ले स्टोर में। उसके बाद वहां पर आपको करने का है क्लिक करके, जैसे हम भी कर रहे हैं, सबसे पहले दीक्षा एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। हो सकता है कि ऑलरेडी आपके नंबर पे हो, करने के यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे लिखना है दीक्षा ऐप, तो मेरा अपडेट मांग रहा है। हो सकता है कि आपके नंबर पे पहले था लेकिन आपका रिमूव हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि इंस्टॉल करें, आप कैसे क्या करें, तो इंस्टॉल करने का पूरा प्रोसेस जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख के समझ जाएंगे। इस ऐप में क्या करेंगे हम, इसको अपडेट करने के बाद ज्वाइन करेंगे जो अभी कोर्स लॉन्च किया गया है न्यू, 1 से 5 तक के सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, और सभी जिला का स्पेशल नेम वाइज निकला जो कि सर्च करके हम बताएंगे। चाहे बिहार के जितने भी जिला है, 38 जिला है, सब जिला का अपना पर्सनल डाइट के द्वारा लॉन्च किया गया कोर्स, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, अपडेट पर क्लिक कर लेते हैं पहले, उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। आप सबसे एक ही शिकायत रहती है कि आप सब वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, लाइक कमेंट कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को भी दबा दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन जाएगी मेरे वीडियो का, आपके उसका जो भी होगा आप देख लेंगे, बिना घंटी बजाए आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा एप्लीकेशन अपडेट हो रहा है, आपको करना अनिवार्य है। अभी देखेंगे आगे कोर्स का डिटेल कैसे किया है। सेम टू सेम पहले जो आप दीक्षा ऐप से किए थे सर्टिफिकेट, वैसे डाउनलोड हुआ था, बहुत ही ईजी रहेगा, ज्यादा परेशानी की बात है नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है ओपन का ऑप्शन आया हुआ है मेरा, हम ओपन पर क्लिक कर लेते हैं। किस तरह सर्च करेंगे, हो सकता है आप सर्च कर रहे हैं तो आपका कोर्स नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, एकदम 100% 38 जिला के लिए यूजफुल है। अगर अदर स्टेट में भी इस तरह का प्रोग्राम चला जा रहा है तो वहां के लिए भी यूजफुल है। तो यहाँ पर आपका नाम वगैरह शो होगा, तो आपको करना है क्या, सिंपली कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट यहाँ पर कर लेना है कोर्स पे क्लिक। अगर आपका इस तरह यहाँ पर लॉगिन ऑप्शन आता है, तब अगर लॉगिन नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख के लॉगिन आप कर लेंगे और अपना नेम एड्रेस वगैरह सब अपडेट कर देंगे। तो हम यहाँ पर ये जो टोपी वाला सेक्शन है इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर सर्च बार ऑप्शन आएगा, देखिए सर्च है। अब सर्च करने का तरीका क्या है, देखिए सब जिला का अलग अलग कोर्स है, जैसे कि हम अपना जिला का आपको बता दें, देखिए यहाँ पर इस तरह का शो हो रहा है। यहाँ पर नेम आप देख ले, कोर्स नेम लिखा गया है बीआर डाइट कटिहार, यहाँ पे कुछ लिखने में मिस्टेक किया। इसी तरह आपके सभी जिले का, जैसे बीआर डाइट तो रहेगा ही, कटिहार है तो कटिहार, पटना तो पटना, किशनगंज है तो किशनगंज होगा, लेकिन आप सर्च कर रहे हैं लेकिन नहीं आ रहा है, इसको भी हम बताएंगे। अभी यहाँ पर ये लॉन्च का टाइम दिया गया है, हो सकता है कि कहीं लॉन्च हो गया होगा किसी डिस्ट्रिक्ट का। अब हम चलते हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन में बिना देर के हुए। अब तो अगर लाइक नहीं किए तो कम से कम अब तो वीडियो लाइक कर दें, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो सिंपली यहाँ पर जो है मेरा एप्लीकेशन ओपन हो जा रहा है, क्योंकि हम दोबारा फिर एप्लीकेशन में आए तो यहाँ पर फिर वही कोर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, जहाँ पे कैप वाला ऑप्शन है, यहाँ पर सर्च बार निकलेगा, इसमें आप टाइप करना क्या है, सभी जिले के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। सबको क्या करना है, बी आर, जैसे कि बड़े लेटर में बी, तो बी आर तो यहाँ टाइप कर लिए। अब यहाँ पर आ जाना है, आपको क्या करना है, 1, 2, 3 जो आप इस साइड में लिखा हुआ है आपको दिखा दे, हो सकता है कि वो सो नहीं हो फिर, अभी कभी कभार होता है, देखिए अभी नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ दिखा दें, ठीक है, जैसे बी आर दिए, फिर नीचे में डेस का चिन्ह दिए, नीचे में देना है ऊपर में नहीं, फिर डी आई ई टी डायट टाइप करना है, फिर नीचे में ये लाइनिंग देना है, फिर पटना हो तो पटना, किशनगंज हो तो किशनगंज, कटिहार हो तो कटिहार, जो भी जिला है आपको सर्च करना है। जैसे हम कर लिए बिहार की है, उसके बाद 1, 2, 3 वाला जो नंबर है मेरा उस पर क्लिक करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरा, अब देखिए 1, 2, 3, 4 के जो नीचे है ये नंबर डेस का, देखिए यहाँ पर आ गया। अगर वो मान के चले आप देंगे 6 के नीचे वाला, तो देखिए क्या होगा, बीच में हो जाएगा, तो वो नहीं आएगा, क्या होगा, 4 के नीचे जो है, यहाँ पर मेरा क्लिक नहीं हो पा रहा है, 4 के नीचे वो दे दिए। अब हमें क्या करना, डायरेक्ट लिखना है, तो फिर उसी तरह आ जाते हैं डी आई ई टी डाइट, फिर उसी तरह का नंबर दे देंगे, 4 के नीचे वाला जो साइन है वो। अब उसके बाद हम मान के चलिए पटना का है, तो पटना जिला से, तो पटना सर्च करेंगे, पटना टाइप कर दे। अब सर्च बॉक्स यहाँ पर आपका साइड में रखा हुआ है, सर्च बॉक्स जो कि अभी देखेंगे आप, सर्च बॉक्स पर क्लिक करेंगे, सर्च होकर ये कोर्स आ जाएगी आपके सामने में, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसको और ऊपर हम कर दें, दिखा रहा है यहाँ पर डाइट बी आर डाइट पटना, ठीक है, भाषा शिक्षण शास्त्र, इसी तरह हर जिला का होगा।
ठीक है, मान के चलिए हम किशनगंज का टाइप कर लेते हैं यहाँ पर किशनगंज, क्योंकि बाकी सब तो वो सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे जिला चेंज होगा, तो के आई एस एच ए एन जी ए एन जी ए फिर सर्च करेंगे तो किशनगंज का भी यहाँ सर्च हो गया, ठीक है ना। फिर मान के चलिए कटिहार का करते हैं, कटिहार ध्यान देना है कि देखिए बी आर जो साइन है वो डाइट, उसके बाद जो भी जिला है सर्च करेंगे या फिर रिकॉर्ड नोट फॉन, यह बता रहा है कि कोई परिणाम नहीं, इसका मतलब ये है कि इस जिला का जो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जैसा कि आप पहले दिखाया आपको आज लॉन्च होने वाला है। तो कभी कभार होता है क्या, क्योंकि हम ये सुबह में वीडियो बना रहे हैं तो इसीलिए अभी नहीं सो रहा है, 12:30 में ये लॉन्च होगा, उसके बाद सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा जिस जिले का नहीं आ रहा है तो। लेकिन आपको ध्यान देना है इस तरह का टाइप करना है, जैसे कि बी आर कर दिए, ये एड्रेस यहां पर नहीं, यहां लगना चाहिए बी आर, नीचे में आना चाहिए जो कि आपको बताया, फिर डी आई ई टी डायट, फिर डेस दे करके इस तरह का जो भी जिला है वो टाइप करेंगे। तो मान के चलिए हम किशनगंज ही कोई ज्वाइन करके आपको दिखा देते हैं किस तरह ज्वाइन करेंगे, के आई एस एच ए एन जे ए एन किशनगंज, ठीक है हम इसको सर्च कर लेते हैं। तो मान के चलिए किशनगंज हम सर्च कर रहे हैं, किशनगंज यहाँ पर शो हो जा रहा है, देखिए रिलेटेड भी थोड़ा होगा ना तो आ जाएगा। तो किशनगंज वाले जो भी कोर्स है उस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कोर्स नेम, तो यही नेम हुआ, तो यहाँ पर क्या करेंगे इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद क्या ऑप्शन आता है, सेम टू सेम सबका आएगा, सिर्फ यहाँ पर नेम अलग रहेगा। तो आपका ऑलरेडी जब प्रोफाइल अपडेट रहेगा तो यहाँ पर नाम वगैरह से होगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है आपको, जो जैसे कि देख पा रहे यहाँ पर हम टाइप किए हुए हैं सरकारी नौकरी डॉट सी ओ डॉट कॉम, आप इसको www.sarkarinaukri.co.com में टाइप करके सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट निकल के आ जाएगी। ये मेरा पर्सनल वेबसाइट है, इसमें क्या खूबी है आपको क्यों बता रही है, आपके लिए जरूरी है इसलिए कि लेटर जो भी वैकेंसीज आएगी या एडमिशन के लिए फॉर्म आएगी यहाँ पर आपको स्लाइड में मिलेगा, और यहाँ पे सेक्शन वाइज भी दिया है, लेटेस्ट जॉब, लेटेस्ट अपडेट, एडमिशन, इस पर क्लिक करके आप आर्टिकल पर पाएंगे, आपको दिखा भी देंगे एक बार। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे 3 आइकॉन है, इस पर क्लिक करने के बाद कैटेगरी वाइज जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे लेटेस्ट जॉब, लेटेस्ट अपडेट, टीचर, बहुत सारी जो है फैसिलिटीज दी गई है। तो कोई भी एक पोस्ट पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और आपको जैसे कि इसको हम अंदर कर लेते हैं, उसी पर क्लिक करके कोई भी पोस्ट पर जैसे कि डीएलएड एडमिशन के लिए ऑनलाइन का जो है था डेट उसमें हम बनाए थे दिए थे तो उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने पर क्या मिलेगा आपको बताएगा भी, अब देखेंगे भी पूरी जानकारी आपको मिलेगी इसके बारे में, जैसे कि वीडियो भी दिया रहेगा इसका। उसके बाद यहाँ पे कैसे एडमिशन करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब ऑनलाइन होगा, कितना रुपए लगेगा, ऑनलाइन के लिए लिंक, अकाउंट आवश्यक कागजात, मतलब पूरी जानकारी इस वेबसाइट में आपको मिलेगी। तो बीच बीच में आप चेक करते रहेंगे, इससे फायदा यह होगा कि जो भी अपडेट आएगी चाहे वैकेंसीज की या फिर टीचर न्यूज की, तो आपको वेबसाइट के माध्यम से भी जानकारी मिल जाएगी। तो चलते हैं वेतन कैलकुलेटर के प्रोसेस में, बॉक्स है, बॉक्स पर क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आ रहा है जो कि अभी नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे मोबाइल सर्च का हम कर देते हैं, आपको थोड़ा असुविधा हो सकता है देखने के लिए, तब जाकर के वो टर्म कंडीशन को हम क्लिक करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर तो आ रहा होगा, बॉक्स में लगा दी, अब क्या करना है, साझा करें कि शेयर करें, शेयर करें मतलब इससे क्या होगा कि हम शेयर हो रहे हैं, अपने डिटेल्स को शेयर कर रहे हैं। तो देखिए पूरी तरह से हम क्या हो गए यहाँ पर इनरोल हो गए हैं। अब यहाँ पे कोर्स क्या दिखा रहा है, 0 है, ठीक ना, ये मॉड्यूल है, कोर्स मॉड्यूल, कोर्स का जैसे कि यहाँ पर कोर्स विवरणी है, इस पर क्लिक करके कोर्स विवरणी आप देख सकते हैं पूरा, देखें किसके लिए है, 1 से लेके 3 4 5 6 7 8 9 11 12 मतलब 1 से लेके 12 तक के सभी टीचर के लिए, ठीक ना। अब कोर्स विवरणी क्या है, किसके लिए है, तो यहाँ पर मॉड्यूल में देख लेते हैं, ज्यादा आपको वेट नहीं कराएंगे हम। यहाँ पर मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद देखें बहुत सारा मॉड्यूल है। अब पहले प्रश्न उत्तरी भेज, सेम टू सेम जो पहले आप करते थे, क्या बारी बारी से मान के चलिए एक पर हम क्लिक किए, उसके बाद ज्वाइन हो गए। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, कोर्स ज्वाइन कर लिया मान के चलिए ये मॉड्यूल, ठीक है ना, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर उद्देश्य दिया हुआ है, फिर यहाँ पर है तो कोई भी एक बारी बारी से हमको करना है, इसको चलाए पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोर्स आपका चलना आ जाएगा। अभी कभी पीडीएफ रहेगा, हो सकता है वीडियो भी कभी रहे, तो आपको इसको लर्न कर लेना है। उसके बाद आपको करना ये है कि जैसे मैं खत्म हो गया मान के चलो पढ़ लिया आप, तो यहाँ पर जो टिक है इस पर क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर बाहर आ जाए एग्जिट, या फिर बाहर एग्जिट हो जाएंगे आप, एग्जिट पर क्लिक करके तो ठीक है, तो ठीक है पर क्लिक करेंगे
आपको यहाँ पर दिखाएगा कि ये बाहर आ जाते हैं, रेटिंग भी करने की जरूरत नहीं है, फिर बाहर आ जाएंगे तभी आपका दिखाएगा कि ये कंप्लीट। इसी तरह आप बारी बारी से सभी करेंगे, हम बाहर आ जाते हैं तो फिर हल्का सा दिखेगा कि यहाँ पे कुछ कंप्लीट हुआ है। इसी तरह पूरा आप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी तरह से आपको सबको बताएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर यहाँ करना है। तो बारी बारी से आप पढ़ लेंगे तब क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो क्वेश्चन आंसर का भी समाधान इस चैनल के माध्यम से की जाएगी। इसलिए आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दें ताकि कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो। तो यदि जानकारी इसका अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट के बताएं, आपके कमेंट का 100% जवाब दे जाएगा। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।